सबका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए उनकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से एक चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और ये एच जी वेल्स ने लिखा है। ये है एच जी वेल्स और ये वीडियो नंबर 2 है। आइए मैं आपको एच जी वेल्स के बारे में थोड़ा और बता दूँ। एच जी वेल्स का पूरा नाम हर्बर्ट जॉर्ज था एंड ही वॉज बोर्न ऑन 21 सितंबर 1866, और इनका जन्म 21 सितंबर 1866 में ब्रूमले यूके में हुआ एंड डाइड ऑन 13 अगस्त 1946, और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1946 में एट रीजेंट्स पार्क लंदन में हुई। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, और वो एक इंग्लिश राइटर थे हु रोट नॉवल्स ऑन हिस्ट्री पॉलिटिक्स एटसेट्रा, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर नॉवल्स लिखे, जिनमें से हिस्ट्री और पॉलिटिक्स कुछ एक विषय थे। इसके अलावा उन्होंने और भी कई विषयों में नॉवल्स लिखे। लेसन के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। दिस स्टोरी ऑफ एन इनविजिबल मैन हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम द नॉवल बाय एच जी वेल्स। जो ये स्टोरी है एक अदृश्य आदमी की, ये एच जी वेल्स के नॉवल में से ली गई है। वी कम टू नो अबाउट ए मैन हु इज नाउ ए होमलेस वांडरर एंड लॉ ब्रेकर, और हमें इस कहानी में पता चलता है एक ऐसे आदमी के बारे में जो एक कानून को तोड़ने वाला आदमी है और एक अब बिना घर के घुमंतू है। वंस ही वॉज ए टैलेंटेड साइंटिस्ट, और वो पहले एक टैलेंटेड एक होनहार साइंटिस्ट हुआ करता था। चलिए आपको कहानी स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन टू लाइन। A stranger of such uncommon appearance set all town waking. Waking means moving. जो ये अजनबी था इतनी अजीब सी अपीयरेंस के साथ, जो मतलब देखने में इतना अजीब लगता था, उसने वहाँ जो सराय में वो था गया था, जिसमें उसने 2 कमरे अपने आइपिंग विलेज में बुक कराए थे, वहाँ वो सराय में ठहरा, तो वहाँ के जो आदमी थे उनकी सभी की जबाने उसने हिलने पे मजबूर कर दी। इट मीन्स उसकी अपीयरेंस देखकर उस अजनबी के जो दिखने में इतना अजीब लगता था, सभी लोग उसे देखकर उसके बारे में बातें करने लगे। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और मिसिज हॉल जो वहाँ मकान मालिक की, जो उस सराय की मालकिन थी, जो मालिक था उसकी वाइफ थी, वो पूरी अपनी तमाम कोशिशें करती है उसके साथ दोस्ती करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माय रीजन फॉर कमिंग टू वाइपिंग इज डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, और ग्रिफिन जो था वो उससे बिल्कुल भी बात करने की इच्छा नहीं रखता था। एंड टोल्ड हर, और उसने उसको मकान माल उसकी जो मालकिन थी सराय की, उसको बोला उसने, माय रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग, जो मेरा यहाँ आइपिंग गांव में आने का रीज़न है, कारण है, इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, वह इच्छा है सॉलिट्यूड की, मीन्स वो अकेला रहने की जो है इच्छा है उसकी, यहाँ पर उसको जो लाती है आइपिंग गाँव में। I do not wish to be disturbed in my works, और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मेरे कार्यों में disturb करे। Besides, an accident has affected my face, और इसके अलावा एक accident ने मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचाया है। Satisfied that her guest was an eccentric means crazy, sulky scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. और यह बात ध्यान में रखते हुए और अपने आप को संतुष्ट करते हुए कि उसका जो ये गेस्ट है अजनबी, वह एक सनकी साइंटिस्ट है, और इस बात को भी, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि उसने अपने जो सारे बिल हैं वो एडवांस में पे किए हैं, मिसेस हॉल तैयार हो जाती है उसके अजनबी, उस अजनबी की अजीब सी हरकतें, जो उसकी हैबिट्स हैं, और उसका जो इरिटेबल टेम्पर है, जल्दी गुस्सा करने वाला जो उसका टेम्पर है, उन सब बातों को इग्नोर करने के लिए वो तैयार हो जाती हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु जो उसने धन चुराया था वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब ग्रिफिन को भी एडमिट करना पड़ा, उसको मानना पड़ा कि अब उसके पास और कैश मनी नहीं है।
He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. जबकि हालांकि वह यह pretend करता रहा, यह दिखाता रहा कि उसको एक check आने वाला है जो कभी भी किसी भी moment उसको मिल सकता है. Shortly afterwards, a curious episode means incident occurred. और इसके थोड़े ही समय बाद एक अजीब सी घटना घटित होती है. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. और एक clergyman और उसकी जो पत्नी है, clergyman जो है वो एक priest होता है, पादरी होता है या father कह सकते हैं चर्च में, और उसकी जो पत्नी है वो जाग जाते हैं उनके स्टडी रूम में कुछ आवाजें आने के कारण वो जाग जाते हैं. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Creeping means going secretly, चुपके से धीरे धीरे से जाना. धीरे धीरे से सीढ़ियों से उतरते हुए they heard, उन दोनों ने, clergyman ने और उसकी पत्नी ने आवाज सुनी. The chink sound of created by coins, जो सिक्के जब निकालते हैं सिक्कों की जो आवाज होती है वो उन्होंने सुनी. Of money, पैसों की उन्होंने आवाज सुनी. धीरे धीरे से सीढ़ियों से जब वो नीचे उतर रहे थे तब उन्होंने आवाज सुनी पैसों की. Being taken from the clergyman's desk, जो कि clergyman के डेस्क में से चुराए जा रहे थे, निकाले जा रहे थे. Without making any noise and with a poker, ये इस तरह से एक जो लोहे की छड़ होती है वो ये दिखाई गई है poker, grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. और बिना किसी आवाज किए एक उसने छड़ उठाई clergyman ने और उसको कस के अपने हाथ में पकड़ा. The clergyman flung open the door, और उसने एकदम से दरवाजा खोला. Surrender, आत्मसमर्पण. Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. और उसको यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि कमरा जो है वो बिल्कुल खाली प्रतीत हो रहा था. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. और जो उस clergyman था और उसकी पत्नी थी, उन दोनों ने पीछे देखा, डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, एंड इवन द चिमनी, ये जो चिमनी है जहाँ पे आग जलाई जाती है ठंड कम करने के लिए, ठंड से हाथ सेकने के लिए, गर्माहट के लिए, उसने इवन उस चिमनी के ऊपर भी देखा. देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, परंतु किसी भी आदमी का कोई भी नामो निशान उस कमरे में नहीं था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. परंतु फिर भी जो डेस्क था, ड्रॉर था डेस्क का, वो खुला हुआ था और जो हाउसकीपिंग की मनी थी, घर चलाने की जो पैसा था, वो वहाँ से मिसिंग था, वो वहाँ से गायब था. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. और पूरे दिन जो पादरी था वो सिर्फ यह कहता रहा, असाधारण बात, असाधारण बात, वो पूरा दिन इसी बात को दोहराता रहा. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. और यह इतनी भी असाधारण बात नहीं थी जितनी कि थोड़े ही देर बाद उसी सुबह मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ हुई. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. जो लैंडलॉर्ड था और उसकी जो पत्नी थी वो जल्दी उठ गए सुबह और वो यह देखकर बहुत ही हैरान हुए कि जो साइंटिस्ट है उसका रूम का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पर यह दरवाजा बंद होता है और ताला लगा होता है. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर हिज रूम, और अगर कोई उसके रूम में चला जाता था तो साइंटिस्ट गुस्सा हो जाता था, एकदम से आग बबूला हो जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और जो ये मौका था लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ के लिए वो बहुत ही अच्छा था और वो उसको मिस नहीं करना चाहते थे किसी भी चांस पे. दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप्ड मैंने बिल्कुल झांकना, क्लोज डोर के होकर झांकना. राउंड द डोर सन ओवर बॉडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट,
और वो कमरे के पास दरवाजे के पास जाके बिल्कुल झांकते हैं तो देखते हैं कि कोई भी नहीं है कमरे में, और वो डिसाइड करते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए, छानबीन उन्हें अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। और जो अंदर जाते हैं वो, और जो बेड की बेड पे कपड़े हैं, मतलब चादर बिछी हुई है, जो बेड पे कपड़े पड़े हैं वो बिल्कुल ठंडे हैं, जो ये शो करते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी समय से यहाँ पर नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम। और जो स्ट्रेंजर पहनता था, जो कपड़े स्ट्रेंजर्स पहनता था, जो बैंडेजेस वो अपने फेस पे हमेशा लपेटे रखता था, वो भी इधर उधर कमरे में बिखरी पड़ी है। ऑल ऑफ सडन मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ मीन्स सांस। और अचानक से मिसिज हॉल अपने कान के पास एक सांस की आवाज़ महसूस करती है, सुनती है वो। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट, बेड पोस्ट इस तरह सिरहाना होता है बेड का, लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और उस एक क्षण बाद जो बेड पोस्ट है, सिरहाना था बेड का, उस पर एक हैट रखी थी और वो हैट वहाँ से उछल के उड़ती है हवा में और सीधा वो मकान मालिक की जो पत्नी है उसके मुंह पर आकर लगती है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। और इसके बाद जो बेडरूम की चेयर है वो अलाइव हो जाती है, वो जीवित हो जाती है। इट मीन्स उसमें कहीं से जान आ जाती है, जैसे अचानक से फर्नीचर एकदम हिलने लगता है, वो चेयर हिलने लगती है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर और हवा में उछलती है वो, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट और सीधा जाके लैंडलॉर्ड की वाइफ की टांगों पर लगती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर और जैसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ डर में भयभीत होकर एकदम से पीछे मुड़ते हैं, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। तो वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर है, असाधारण सी चेयर है, वो उन्हें एकदम पीछे धकेलती है। एंड देन अपीयर टू स्लैम और ऐसी प्रतीत होती है जैसे दरवाजे को जोर से मारती है कुर्सी वो, और लॉक द डोर आफ्टर देम और इसके बाद दरवाजा वो लॉक कर देती है, बंद कर देती है दरवाजा। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स और मिसिज हॉल जो है वो लगभग हिस्टेरिक्स में बेहोशी की हालत में सीढ़ियों से नीचे ही गिर जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड डैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और मिसिज हॉल अब बिल्कुल कन्विंस्ड हो जाती हैं, यह महसूस करती है, बिल्कुल वो मान लेती है कि उसके कमरे में, उस साइंटिस्ट के कमरे में कोई आत्मा हॉन्ट कर रही है, घूमती है, रहती है उस कमरे में। एंड दैट द स्ट्रेंजर और जो वो अजनबी है, वो साइंटिस्ट है, उसने वो किसी तरह से आत्माएं उसके फर्नीचर में डाल दी हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर और वो मिसिज हॉल बोलती है कि मेरी जो माँ थी, मेरी गरीब माँ, मेरी बेचारी माँ उस चेयर पर बैठा करती थी। शी मोर्ड और बहुत मोर्ड मीन स्लो वॉइस, सैड इन लो वॉइस, वह बहुत ही धीमी आवाज में वो बोलती है कि मेरी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ और अब वही चेयर मेरे ही अगेंस्ट खड़ी हो गई है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. और जो पड़ोसी थे मिसिज हॉल के, उनमें यह भावना बढ़ रही थी, उनमें यह भावना, उनमें ये फीलिंग आ रही थी कि जो ये सभी मुसीबत आई है उन पर, जो ट्रबल आई है, वो सारा किसी जादू टोने की वजह से आई है। But witchcraft or not, परंतु कोई जादू टोना हो या ना हो, When news of the burglary, theft, chori at the clergyman's home become known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. परंतु जब ये घटना, चोरी की घटना के बारे में पता चला कि clergyman के घर में चोरी हुई है, तो सभी का शक उस साइंटिस्ट पे, जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, अजनबी अजीब सा साइंटिस्ट था, उसके ऊपर सबका
शक गया कि उसकी चोरी में, जो ये चोरी हुई है क्लर्जी मैन के घर में, उस चोरी में उस साइंटिस्ट का हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और उनका जो सभी का शक था वो उस साइंटिस्ट पे और ज़्यादा गहरा हो गया जब अचानक से साइंटिस्ट ने कैश मनी उनके सामने प्रेजेंट की। कैश मनी लेकर आता है वो अचानक से, जबकि वो पहले थोड़ी ही देर पहले वो एडमिट कर चुका था कि उसके पास कैश मनी नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और विलेज का जो कॉन्स्टेबल था, हवलदार था, उसको बुलाया जाता है चोरी छिपे। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, और कॉन्स्टेबल की वेट करने के बजाय मिसिज हॉल वेंट टू दिस साइंटिस्ट। मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास जाती हैं हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि साइंटिस्ट अचानक से अपने पता नहीं किस तरह से अजीब सी रहस्यमय तरीके से अपने कमरे में अपीयर हो जाता है, आ जाता है अपने कमरे में। और मिसिज हॉल उससे जाके बोलती हैं आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर। अब सब जाके उससे पूछती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या किया। शी डिमांडेड, वो उससे डिमांड करती है, उससे पूछती है एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर ए लॉक्ड रूम। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस तरह से खाली रूम में क्या आ गए, कैसे आ गए तुम, जबकि दरवाजा बाहर से बंद था, मतलब एक लॉक रूम में तुम किस तरह से एंटर कर गए, मेरे को ये सब भी बताओ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और जो साइंटिस्ट था वो जल्द ही गुस्सा हो जाता था हमेशा। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, और अब तो वो आग बबूला हो गया, गुस्से के मारी एकदम भड़क गया। You don't understand who or what I am. तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ और क्या हूँ। He shouted, और वो जोर से चिल्लाया। Very well, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। I will show you. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. और जल्दी ही वह अचानक ही एकदम से उसने अपने स्पेक्टिकल्स, जो नोज पहनी हुई थी, जो विस्कर्स थे उसके, जो पट्टियाँ बांधी हुई थी उसने अपने मुंह से, वो धीरे धीरे वो फटाफट उसने उतारनी शुरू करी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और यह सब उतारने में उसे सिर्फ एक मिनट ही लगी होगी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, और जो हॉरिफाइड पीपल से डरे हुए लोग थे बार में, वो अपने आप को एक ऐसे आदमी को देखते हुए पाते हैं जिसका कि सिर ही नहीं था। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, और मिस्टर जेफर जो हवलदार थे वो भी आ गए। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड, और वो यह देखकर और भी हैरान हुआ कि उसको जो इस आदमी को पकड़ना है उसका तो सिर ही नहीं है। बट जेफर वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मीन्स स्टॉप्ड, रोका नहीं जा सकता था उसे फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, जो मिस्टर जेफर थे उनको उनकी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता था। इफ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन्स अरेस्ट, अगर कोई मैजिस्ट्रेट एक किसी आदमी को पकड़ने के ऑर्डर देता है, वारंट कर देता है, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस पर्सन को, उस आदमी को पकड़ा जाना चाहिए विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या फिर ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और इसके बाद फिर एक अजीब सा सीन दिखाई देता है, दिखता है हमें, जब वो पुलिसमैन जो कॉन्स्टेबल है वो ट्राई करता है एक ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए जो कि और अधिक इनविजिबल मैन होता जा रहा है, अदृश्य होता जा रहा है। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता रहता है वो अदृश्य होता जाता है, और कॉन्स्टेबल उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक बड़ा ही अजीब सा यहाँ पे एक सीन हमें दिखाई देता है। फाइनली ए शर्ट फ्लू इन टू द एयर, और फाइनली एक शर्ट जो है, कमीज जो है वो हवा में उड़ती है, एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट, और
फाइनली जो कांस्टेबल है, हवलदार है, वो अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि वो एक आदमी को पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन वो आदमी दिखाई ही नहीं दे रहा उसे। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, और ग्रिफिन जो था वो एक लॉलेस पर्सन था, लॉ को तोड़ने वाला आदमी था। और इस तरह से यहाँ पर हमारा वीडियो नंबर 2 एंड होता है, और तब अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप सबके सामने जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।